दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र के पांजी पतरिया गांव में शुक्रवार रात पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक युवक को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक सोनू खान है, जो हटा नगर पालिका का दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है। सोनू खान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक हजारी की पत्थर खदान में देसी कट्टा फेंकने के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने जैसे ही देसी कट्टा फेंका, खदान में फेंका, वहां काम कर रहे लोगों की नजर कट्टे पर पड़ गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर हटा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देसी कट्टा जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में एक नया ट्विस्ट पैदा हो गया है। पूर्व विधायक के बेटे आलोक वर्धन हजारी ने खनिज विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अनुराग वर्धन हजारी से उनका विवाद चल रहा है। उन्हीं की शिकायत पर खनिज विभाग की टीम खदान में छापेमार करने के लिए सोनू खान और मनीष खान के साथ पहुंची, जहां सोनू खान ने खदान में देसी कट्टा फेंक कर लोगों को झूठे मामले में फंसाने का षड्यंत्र कर रही है बताया। वहीं मौके से मनीष खान भाग गया और फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की पुलिस जांच कर रही है। हमारे भाई ने और हमारे खेत पर काम करने वाले लोगों ने हम लोगों को खबर दी कि यहाँ पे खनिज विभाग की टीम आई है। हमारी जमीन पर मिट्टी डल रही थी मशीन से, तो हम लोग पहुँचे और ये जानकारी बताई गई कि दो तीन लोग संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। तो हम सब लोग, हम हमारे बड़े भाई आदित्य वर्धन हजारी, आशीष वर्धन हजारी, हम सभी लोग वहाँ अपने खेत पर पहुँचे तो वहाँ देखा तो ये सोनू खान और एक और मनीष खान, ये दोनों संदिग्ध अवस्था में छिपे हुए थे। तो हम सब लोगों को देख के ये भागने लगे। आलोक वर्धन हजारी द्वारा फोन किया गया था कि यहाँ पर हमारी जो खदान है प्राइवेट, जहाँ हमारी जगह है, वहाँ हमारा जेसी भी चल रहा था, तो यहाँ एक सोनू खान है जो संदिग्ध हालत में हमारे यहाँ खदान में घूम रहा था और इसके पास कट्टा भी था, उसमें कट्टा बरामद करवाया गया है, जिसमें कार्रवाई की जा रही है।